अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप सब लोग खैरियत हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत है। तो आज मैं बताने वाली दुबई की ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं, मोस्ट फेमस प्लेस टू विज़िट इन दुबई। तो 2024 में अगर आप लोग आ रहे हैं दुबई में, तो आप लोग प्लीज़ यही जगह घूमें। और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल लास्ट तक बने रहे। तो हमारे पहले लिस्ट पर है ग्लोबल विलेज, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ के अंदर का सब कुछ इंटरनेशनल और हर एक थीम पार्क है वो एक्चुअली, और बच्चों के लिए सही सलामत है, बहुत अच्छा है। आपको हर एक कंट्री के स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हर एक कंट्री की फूड दिखाई देंगे, और हर एक कंट्री के बहुत सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। जो घर का खाना वो भी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। और ये बहुत सारे फेमस डिश बन सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलता है जो आपको टेस्ट कर सकते हैं उसके लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि फैमिली फ्रेंडली है, और बच्चों के साथ भी आप बहुत आसानी से सुकून से जा सकते हैं। आप जाए, इंजॉय करें और सब मज़े करें। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ग्लोबल विलेज पे, और कुछ चीज़ें खरीदने को भी मिलता है। इवन तो आप कुछ ना भी खरीदें, कुछ ना भी खाएं, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्लोबल विलेज का टिकट प्राइस 25 दिरहम है, और बच्चे भी फ्री है, और 65 के ऊपर के जो बुज़ुर्ग है वो भी फ्री की ही है। बहुत सारे राइड्स वगैरह है, बहुत सारे इंजॉय करने की चीज़ें हैं। और अगर आप अभी यहाँ पे फ्री जैसे शो भी देखने को मिलता, और बाय चांस आपकी लक अच्छा हो, जैसे हमारा लक बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिस दिन हम गए थे उसी दिन शाहरुख खान मिल गए, तो वो चीज़ें होती है जो लाइव शो में होता है कि आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कुछ भी मतलब आपके हिसाब से वो घूम सकते हैं जगह पे, जहाँ पे भी जाए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ऐसे फील होता है कि यार इतनी खूबसूरत क्यों है, इतनी खूबसूरत ये है। तो ये ग्लोबल विलेज की यही खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। कुछ फूड्स भी, जैसे कि हर एक कंट्री की फूड भी आप ट्राई कर सकते हैं, हर एक टेस्ट का फूड भी आप बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा उधर। और आप मतलब हर एक कुजीन, हर एक चीज़ें टेस्ट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किसी मतलब कौन से रेस्टोरेंट पे जाना है या क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कैसे भी करके लाइक कहीं पे भी बैठ के भी खा सकते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर भी खा सकते हैं। और इतनी हवा अच्छी आती है इस मौसम में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। पर डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। पम 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 पर पम 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 पर पम पम मुश्किल है। आई फील एक वो विलन वाला डायलॉग हो जाए शाहरुख, जहाँ पे जब मैं विलन बनता हूँ। ये सिद्धू धोनी,
बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जब मैं मिलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। ये वो लोगों के लिए जो पीछे मुड़ मुड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस टी शर्ट को। अगर ये लड़की तुझसे प्यार करती है तो पलट कर देगी। पलट पलट पलट। अभी कौन सा डायलॉग बोलूं? ओके, देवदास का, कौन खंबत बर्दाश्त करने को पीता, हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सके, तुम्हें खुश कर सके। क्या बात है! अब मुझे लग रहा है मेरे डायलॉग खत्म हो गए। अच्छा मुझे सोच लो कौन सी फिल्म आई थी हमारी, दिलवाले दिलवाले में क्या था? हाँ, ऐसा लगता है हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो। आई थिंक रईस की भी रिक्वेस्ट आ रही है। रईस 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 का डायलॉग रईस का। अम्मी जान कहती है कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन है बुर्ज खलीफा, जो डाउन टाउन में होता है। और दुबई में कोई या दुबई वाले और जहाँ भी यूएई वाले बुर्ज खलीफा के आके सामने आके पिक्चर ना खिंचवाए तो है ही कोई है ही नहीं ऐसा। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ये एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कॉस्ट होता है, 170 दिरहम से समथिंग कुछ भी होता है। तो अगर आप लोग अगर अंदर नहीं जाना चाहते तो आप दुबई बुर्ज खलीफा को देख सकते हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और आपको यहाँ पे फ़ोटो भी खींचने को बहुत आसानी से मिल जाएगा, और दुबई जो बुर्ज खलीफा का शो है वो भी दिखने को मिल जाएगा। ऊपर से आपको वाटरफॉल का शो है वो भी 15 मिनट के बाद से वो भी आपको देखने को बहुत मिल जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत सुकून वाला होता है।
वाला। अभी हमारा लोकेशन है दुबई मॉल जो कि डाउनटाउन में ही है, और वो बहुत दुबई मॉल हर एक मतलब दुनिया के फेमस मॉल में से एक है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर से ही आप बुर्ज खलीफा तक भी जा सकते हैं। और दुबई मॉल में ऐसा चीज़ है कि आपको हर एक चीज़, हर एक ब्रांड का चीज़, हर एक चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, और बहुत आपको ढूंढने की भी इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ मैप वगैरह रहता है दुबई मॉल के अंदर, तो वो भी बहुत आसानी से आपको हर एक चीज़ मिल सकता है। दुबई मॉल में आने के लिए आपको बस ये देखना होगा कि आप वीकेंड में ना आए, वीकडेज पे आए, तो आप अगर लाइक वो इतना भीड़ भी नहीं होगा। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपके लिए वीकेंड सही रहेगा, पर अगर आप दुबई में घूमने आए हैं तो प्लीज़ वीकडेज पे जाए, क्योंकि उन डेज भी बहुत भीड़ कम होती है और आपको आसानी से सब कुछ देखने को भी मिल सकता है। हर एक चीज़ें आप दुबई में, दुबई मॉल के अंदर एक्वेरियम भी देख सकते हैं, दुबई म्यूज़ियम में भी बहुत सारी चीज़ें होता है तो वो भी देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को साथ, और हर एक चीज़ के फूड कोर्स सब कुछ मिलता है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट हम चलते हैं मुशीक पार्क पे, जो एक पार्क है, बहुत खुला मैदान है, जो अगर आप फैमिली के साथ भी जाए, बच्चों के साथ भी जाए, तो बहुत अच्छा आसानी से होगा। आपको सिर्फ आपके पास नॉल कार्ड होना चाहिए, उससे आपका एंट्री मिल जाएगा, और यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बहुत एक खुला सा मैदान है, आपको बहुत आसानी से सब कुछ अपने फ्रेंड के साथ मज़े करने का टाइम भी मिल जाएगा, और कभी कभार यहाँ पर बारबेक्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती। अब बस अपने बारबेक्यू के सामान भी लेके आए और मज़े कर यहाँ पे, और आग वाग लगने की भी इतना टेंशन नहीं कि सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होता है, और आप आसानी से आपका अगर आप प्लेन का बहुत शौकीन है तो आप वो भी मज़े से देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं, खुद बना के चीज़ों को खा सकते हैं, और रात के जो अंधेरे का जो मौसम है वो भी आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, जो हम घर वाले मतलब देसी लोग बहुत मिस करते हैं, जो एक मौसम होता है आप अपने दोस्तों के साथ घूमें और इतना फ्रीली सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों के साथ भी ये जगह काफ़ी सेफ है। बस आप 10:30 बजे तक आप वापस रिटर्न हो जाए, 10:30 बजे तक सब कुछ खाना वाना सब कुछ ख़त्म करके आप वापस घर की तरफ रिटर्न हो जाए, तो वही ये इसका रूल है। और यहाँ पे भी आप रात भर तक वैसे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रात में 10:30 बजे तक आपको वापस जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आए मुशीक पार्क पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। बच्चों के लिए भी प्ले ग्राउंड है, तो उसका भी कोई मसला नहीं होगा, और खाने में भी बहुत सारी चीज़ों को मिल सकता। नेक्स्ट प्लेस है दुबई की अल सिफ दुबई, जो
फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कुछ टिकट वगैरह कुछ नहीं होता, आप सीधा अंदर आए और बस घूमें और बहुत मज़े करें। ये जगह सिर्फ आपने शायद दुबई में मूवीज़ वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में देखे होंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत एक लाइक अच्छा वाइब आता है, जो सागर के पास से पानी की वाइब आते हैं। आप चाहे तो बोट राइडिंग भी कर सकते हैं, क्रूज भी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, 50 dirham से लेके 100 से लेके बहुत ज़्यादा तक आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना आपको पे कर सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए। पर जो जगह अलसिफ, जो प्लेस है जहाँ पे अलसिफ है, वो जगह घूमने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, आपको ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो हेरिटेज सिटी है, हिस्टोरिकल चीज़ है, जहाँ पे दुबई कैसा था, किस टाइप का था, किस चीज़ों से बनाया गया था, वो हर एक चीज़ है यहाँ पे एक मॉडल की तरह सजा के रखे, और इतना खूबसूरत है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि कुछ निशानियाँ आप अपने घर पे भी लेके जा सकते हैं, कुछ दुबई की हर एक चीज़ निशानी, जैसे कि अभायाज दुपट्टा। यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा शांति मिलता है आपको, अगर आप घर पे बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑफिस में लोड है, आप यहाँ पे आए बैठे मज़े करें, गपशप करें अपनी फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको, हर चीज़ दिखने को भी मिलेगा, मसाले की चीज़ या तो बहुत ज़्यादा सी चीज़ जिससे खुशी होगी आपको देख के। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें। और आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे दुबई के और एक और बहुत सारी जगहों का, जहाँ पे आप जाके बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, और प्लीज़ मेरे सारे वीडियोज़ पे देखें, कॉमेंट करें, बताएं कि कैसा लग रहा है आपको दुबई शहर, दुबई। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।